तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो जबलपुर T20 प्रीमियर लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई ये दूसरा ही मैच है जो कि खेला जाएगा यहाँ पर समदारिया फाइटर्स वर्सेज श्री राम क्लब के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। अभी भाई पहला मैच यहाँ पे चल रहा है और अभी तक अल्ट्रा क्लीन स्वीप जा रहा है। पी शर्मा भाई यहाँ पर लगातार अच्छा कर रहा है भाई, 22% सिलेक्शन है बंदे का, ठीक है। इसके अलावा भाई अभी अभी ए रज्जाक ने भी परफॉर्मेंस दी है, विकेट लेके गया। पी शर्मा ने भी पहले ही ओवर में विकेट निकाली है। पी शर्मा का भी सिलेक्शन भाई यहाँ पर सिर्फ 22% है और इनका सिलेक्शन ए रज्जाक का सिलेक्शन 20% है, और इसीलिए आपके भाई ने CVCB इतने बेहतरीन दिया। आप इस मैच का रिजल्ट देखना, गजब का रिजल्ट आने वाला है। वहीं अगर बात करें भाई जो दूसरा मैच है ये भी काफ़ी शानदार रहेगा। सेम भाई इस मैच में भी आपके लिए ऐसे बहुत से प्लेयर रहेंगे जो जिनका सिलेक्शन काफी कम रहेगा लेकिन भाई वो परफॉर्मेंस काफी हाई देखे जाएंगे, और कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स रहेंगे जिनका सिलेक्शन 95% तक है भाई, मैंने देखा है, ठीक है, और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो सारी चीजें बताने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए भाई ये जो फाइनल टीम है ये भी मैंने टेलीग्राम पर ही दी है, तो मैं आपको सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, फाइनल टीम होगी, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मैच की टाइमिंग की, तो दोपहर को 2 बजे अब से लगभग 2 घंटे बाद मैच खेला जाना है। वेन्यू की अगर बात करें तो रानीथल स्टेडियम जबलपुर में मैच होने वाला है और भाई पूरी टूर्नामेंट यहीं पे खेला जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। पिच रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, तो यहां पर मैं जैसे कि मैं अभी पहला मैच भी वहां पर चल रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट चल रही है वहां पे भी और यहां पे भी, और टीम थोड़ी हल्की इसीलिए रन थोड़े कम बन रहे हैं, अदरवाइज भाई यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट होने के पूरे चांसेस थे और वही मैंने आपको बताया और वही भाई यहाँ पर हो रहा है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर SDF की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो नए हैं जिनके स्टैट्स हमारे पास नहीं है, बट फिर भी जिन जिन प्लेयर्स के स्टैट्स मेरे को मिले मैं लेकर आ गया हूँ। निखिल राजपूत की बात करेंगे, 20 मैच में 22 विकेट, 346 रन, बहुत ही शानदार प्लेयर, जरूर से आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो। पुलकित गर्ल की बात गिरी की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो नया प्लेयर है, इनके स्टेट्स हमें नहीं मिले। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो यहाँ पर सागर यादव दिखेंगे, 62 मैच में 1010 रन है, विकेट से आप मतलब मत रखिएगा क्योंकि भाई बॉलिंग ना के बराबर करवा था, या उस कंडीशन में करवा था जब टीम बिल्कुल जीत चुकी होती है ना और जब टाइम पास के लिए बॉलिंग करवानी होती है तब आके ये बॉलिंग करवाता है, बट बैटिंग में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई अनुराग मालविया की बात करें, अगेन न्यू प्लेयर है, इनके स्टेट्स हमारे पास नहीं है। आर्यन देशमुख की बात करें, 13 मैच में 193 रन और 10 विकेट भी है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, 101% आपकी टीम में होना चाहिए, इवन भाई CVCB भी आप इसे बना सकते हो ग्रैंड लीग में, ठीक है, स्मॉल लीग में नहीं बनाना भाई। वहीं अगर बात करें आयन श्रीराज की, तो 12 मैच में 158 रन और 5 विकेट है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आयुष मनकर की बात करें तो इन्हें स्मॉल लीग में प्लस ग्रैंड लीग में दोनों जगह CV से ट्राई कर सकते हो, 13 मैच में 167 रन प्लस 21 विकेट, बस बैटिंग ऑर्डर ज्यादा नीचे ना हो फिर तो और भी शानदार प्लेयर, अगर ज्यादा ही नीचे रहा तो फिर भाई एवरेज प्लेयर हो जाएगा। चिराग तक की बात करें तो आप देख सकते हो 6 मैच में 33 रन है, विकेटलेस है, मतलब कि विकेट कीपिंग है तो भाई विकेट तो कहाँ ही लेगा। वहीं अगर बात करें चिरंजीव वालिया, अगेन भाई न्यू प्लेयर है, इनके भी स्टैट्स हमारे पास नहीं है। देवांश यदुवंशी की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 4 मैच में 57 रन है और भाई विकेटलेस है और ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुर्गेश अहिरवार की बात करें तो 8 मैच में 48 रन प्लस 8 विकेट है, बेहतरीन प्लेयर है, जरूर से आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो। SRC की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स की स्टैट्स की बात करें, उससे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए जो स्मॉल लीग में लेने वाले प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे। निखिल राजपूत, सागर यादव, आयान देशमुख तीनों, इसके अलावा आयान श्रीराज और आयुष मनकर, ये 5 प्लेयर है जो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे, और यहां से दुर्गे सहिरवार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ आप कह गए भाई,
आयान श्रीराज और दुर्गेश अहिरवार दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर एसआरसी श्रीराम क्लब की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो महेंद्र राजपूत 6 मैच में 9 विकेट प्लस रन बैटिंग से भी बैकअप दे देगा, ठीक ठाक प्लेयर है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। शक्ति सोनी की बात करें तो 8 मैच में 89 रन 4 विकेट, अगेन आपके लिए एक शानदार प्लेयर, जरूर से ट्राई कीजिएगा। विनोद अहिरवार की बात करें 8 मैच में 32 रन 3 विकेट, जीएल मिनी जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉल लीग में इजिली ड्रॉप कीजिएगा। कमलेश श्याम की बात करें, नया प्लेयर है भाई, ज्यादा स्टैट्स वगैरह कुछ इनकी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मिली नहीं है, तो अभी भाई आप इन्हें इग्नोर करके चलेगा, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। राहुल पटेल की बात करें 13 मैच में 12 विकेट, ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। श्रीकांत जैन की, सार्थक जैन की बात करें तो 20 मैच में 80 रन 6 विकेट, जीएल मिनी जीएल के लिए अच्छा शानदार प्लेयर रहेगा, स्मॉल लीग में इतना अच्छा प्लेयर नहीं लग रहा। वहीं अगर भाई यहां पर बात करें विजय ध्रुवे की, तो आप देख सकते हो ये भी नया प्लेयर है, अभी के लिए स्टार्टिंग में एक दो मैच देख लीजिए कैसा खेलता है, और अभी इन्हें जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। ओम राय की बात करें तो यहां पर ये भाई शानदार प्लेयर है विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन भाई आपके लिए बैटिंग भी कर सॉरी बॉलिंग भी करके दे देगा, और मेरे हिसाब से यही आपको ट्राई करना चाहिए। 17 मैच में 20 विकेट है। वही अगर बात करें भाई यहां पर अमन पटेल की, तो 51 मैच में 95 विकेट, 1000 रन, गजब का प्लेयर, 100% टीम में रखेंगे, सीवीसी बना सकते हो, ठीक है। वही अगर बात करें भाई मुकेश पारते की, तो 23 मैच में 25 विकेट, अगेन आपके लिए एक शानदार प्लेयर। पीयूष पटेल की बात करें तो जीएल मिनी जीएल के लिए मस्ट पिक, स्मॉल लीग में एज ए ट्रंप कार्ड पिक यूज कर सकते हो। अब यहां से अगर बात करें भाई आपके लिए जो मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे वो उसमें रहेगा महेंद्र राजपूत, आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा। राहुल पटेल आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा। इसके अलावा भाई यहां पर ओम राय मस्ट पिक हो जाएगा, अमन पटेल मस्ट पिक हो जाएगा, और मुकेश पारते मस्ट पिक हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको टीम भी बना के दिखाता हूं। तो ऐसे अभी के लिए मैं ओम राय को ही अपनी टीम में लेके चलूंगा, सी तक को मैं ड्रॉप करूंगा, ऐसे महेंद्र राजपूत को अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा भाई आदर्श दुबे को अभी हम ट्राई नहीं करेंगे। यहां से अगर बात करें तो निखिल राजपूत को आप ट्राई कर सकते हो, शक्ति सोनी को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए ट्राई नहीं करूंगा, ना ही पुलकित गिरल को ट्राई करूंगा। वहीं अगर बात करें तो भाई अभी के लिए नीचे अगर देखो सागर यादव आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो सागर यादव के मैं स्टैट्स आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए 62 मैच में 1000 रन है, मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा और बहुत ही शानदार प्लेयर आपके लिए रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर चलोगे तो निखिल राजपूत को मैं अपनी टीम में रख लूंगा, क्योंकि भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से बैकअप देगा। यहाँ से अगर बात करें तो भाई निखिल राजपूत के अलावा और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को दिख नहीं रहा। अथर को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई यहाँ से आविष्कार परियार को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। विनोद अहिरवार भाई न्यू प्लेयर है, अभी के लिए मैं ट्राई नहीं करूँगा, हाँ अगर आप चाहो तो आप इसे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और विनोद अहिरवार नया प्लेयर तो नहीं है, बट भाई यहाँ पर स्टैट्स अच्छे नहीं है, ठीक है, तो अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा, हाँ अगर आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आयुष मनकर को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से तो कोई और इम्पोर्टेंट प्लेयर है नहीं, ऑलराउंडर सेक्शन में आयुष मनकर इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अनुराग मालविया को, भाई ये अनुराग मालविया नया प्लेयर है शायद, और अनुराग मालविया न्यू प्लेयर है भाई, इन्हें अभी जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ से अच्छा मतलब ठीक ठाक पिक नहीं रहेगा। यहाँ से अगर बात करें कमलेश सयाम की, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी अभी के लिए मैं ट्राई नहीं करने वाला, और अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ए श्रीराज की बात करें आयन श्रीराज की, तो आयन श्रीराज के भी स्टैट्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यह 12 मैच में 158 रन और 5 विकेट, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, मैं अभी के लिए भाई ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भाई आप यहाँ पर आयन देशमुख हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहां से अगर बात करें तो सार्थक जैन को आप अपनी टीम में रखना चाहो तो आप रख सकते हो, या फिर यहां से आप किसी और को भी ट्राई कर सकते हो। ओम राय को हमने ट्राई कर ही लिया, अमन पटेल को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो यहां से, ठीक है, वो बॉलिंग सेक्शन में मिलेगा आपको, बैटिंग सेक्शन में भी नहीं है, तो भाई बॉलिंग सेक्शन में ही आपको मिलेगा अमन पटेल। अमन पटेल आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर और अगर प्लेयर्स की बात करें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए मैंने पूरे प्लेयर्स के स्टैट्स आपके लिए यहाँ पर इसीलिए अवेलेबल करवाए ताकि आप इजिली सारी चीज़ों को देख सको, सारी चीज़ों को खुद समझ सको, और उसके बाद भाई आप अपनी खुद की टीम मेरे से बेहतर बना सको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर यहाँ से बात करें तो आप अपनी टीम में कुछ जो और प्लेयर लेना चाहो वो आप ले सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर श्रीराम क्लब की टीम से ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपके लिए मुकेश पारते हो गया, पीयूष पटेल हो गया, ये प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है। अमन पटेल को हमने ऑलरेडी ट्राई कर ही लिया है, सार्थक जैन को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ड्रॉप करने में की इच्छा है तो ड्रॉप भी कर सकते हो। राहुल पटेल को अगर आप चाहो तो राहुल पटेल को भी अपनी टीम में रख सकते हो, ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ से मुकेश पारते को मैं अपनी टीम में रखूँगा, और इसके अलावा भाई अगर बात करें तो यहाँ से और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा है। यहाँ से अगर बात करें पीयूष पटेल को अपनी टीम में रख लेते हैं अभी
खिलाड़ी के लिए। सीवीसी की बात करें तो कैप्टनसी भाई यहाँ से मैंने ऑलरेडी जो आपको बताए थे, या तो आप निखिल राजपूत को देके चलिए कैप्टनसी, जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन रहेगा, या फिर भाई आयुष मनकर को, इनमें से किसी एक को कैप्टनसी दे दीजिए। आयुष मनकर को अभी के लिए मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ, वीसी भाई मैं ऐसे बना रहा हूँ निकेश राजपूत को। यहाँ से अगर बात करें महेंद्र राजपूत को, अगर आप चाहो तो वीसी बना सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ से महेंद्र राजपूत को एज ए प्लेयर लेके जाऊंगा, सीवीसी ट्राई नहीं कर रहा। ठीक है, फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो हम टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अगर टीम के प्रीव्यू की बात करें तो वो आपके सामने, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना भाई, वो टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स के बारे में भी आपको बता दूंगा, सारी अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन और वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ही जाकर ज्वाइन करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।